शुक्ला जी, आज जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए हैं वो ये है कि हमने आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हंदारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुतालिक एक मैनिफेस्टो जारी करना है। वो आप कॉपियां हमने आपको दे दी, ये मैनिफेस्टो है जो हम आगे अपनाने जा रहे हैं। चार बार मैं इस हल्के इंतखाब से चुन के आया हूँ और आज पांचवी बार भी मेरी ये कोशिश होगी कि पांचवी बार भी मैं यहां से चुन के असेंबली में पहुंच जाऊं। मैंने जब भी इलेक्शन लड़ा तो मैंने आवाम के सामने इलेक्शन के दिनों में अपना एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टो पहले भी रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2008 में जो मैनिफेस्टो मैंने रखा था उसके बारे में पहले मैं कहूंगा, और फिर जो आप 2024 के मुतालिक जो मुझे काम कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। 2008 में जब मैं चुन के आया था तो उस वक्त मैंने कुछ वादे लोगों हंदवाड़े के लोगों के साथ किए थे। उसमें जो चीदा चीदा बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि एक तो मैंने कहा था कि मैं हंदवाड़ा को सब डिवीजन के लेवल पर लाऊंगा, और आज देख रहे हैं आपके हंदवाड़ा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं। हंदवाड़ा में सेशंस कोर्ट भी मैंने 2008 से 2014 के इस उर्से में लाया। करोड़ों रुपए की लागत से शुमाली कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड बनवाया। हंदवाड़ा में फ्रूट मंडी का कायम अमल में लाया, और फ्रूट मंडी के साथ साथ इस वक्त हजारों की तादाद में यहाँ के लोग जो फ्रूट के साथ बिजनेस करते हैं अपना कारोबार यहाँ पर फ्रूट मंडी में करते हैं, और ये फ्रूट मंडी जो है अब रियासत की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फ्रूट मंडी में उभर चुकी है। हंदवाड़ा में मैंने ये इंडस्ट्रियल एस्टेट भी लाया है, और इसमें भी काफी लोग इस वक्त अपना ये जो रोजमर्रा का कारोबार है अपनी इंडस्ट्रियल उन्होंने खोली है तो कारोबार करते हैं। इसके साथ साथ में हमने ये कहा था कि हंदवाड़ा को जो बंगस का सेहत अफजा मुकाम है इसको टूरिस्ट मैप पर लाएंगे, और आपको ये जानकर खुशी होगी ये एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बंगस टूरिज्म के लिए बनी है, हुई है, और साथ साथ में एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर भी इसके साथ साथ हंदवाड़ा में कायम हुआ था। मैंने ये वादा किया था कि हम नए इंतजामी यूनिट्स यहाँ पर लाएंगे, और आपको ये जानकर खुशी भी होगी सारे लोगों को कि मैंने तहसील विलगा में तहसील खोला, तारकोरा में तहसील दिया, जखिलदारा में तहसील दिया, और फिर दुर्गमोड़ा के इलाके में भी हमने एक तहसील बनवाया। साथ साथ में जो ब्लॉक्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं, वो यहाँ पर पहले दो हुआ करते थे सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। मैंने 2008 से 2014 तक तारकोरा, मागाम, जकिलदारा, दुतनसा और दुर्गमोड़ा में ब्लॉक हमने कायम, तकरीबन आधा दर्जन ब्लॉक हमने कायम किए। सेंगडू की तादाद में हमने स्कूल और हाई स्कूल खोले, और इसी तरह हमने जिला अस्पताल का कायम जो पहले किया था, एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल के तौर पर वो यहाँ पर काम कर रहा है। तमाम शोबे जो हैं ये मेडिसिन के, सर्जरी के तकरीबन उसमें काम कर रहे हैं। साथ साथ में अब ये यही जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये अब मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब मेडिकल कॉलेज सारे कंट्री में खोले तो उसमें गवर्नमेंट आर्डर में ही ये लिखा था कि जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उधर ही ये अपग्रेड होगा मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर चल रहा है। मैंने दर्जन दो के तादाद में यहाँ पर हेल्थ सेंटर खोले और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खोले। इसी तरह जो ग्रिड स्टेशन है, रिसीविंग स्टेशन